जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। दोस्तों 32 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया को मिलने जा रही है एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 को लेकर। और आप लोगों को बता दें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 को नाम दिया गया है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। देखिए DPIIT के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट स्टेटमेंट को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, ताकि उनके व्यूज और कमेंट्स को लिया जा सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इंडिया को आज तक टोटल 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज मिल चुकी हैं, जिनमें से 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही थी इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए, और 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही अब तक इंडिया में एप्लीकेबल है। आप लोगों को बता दें कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इंडिया में LPG रिफॉर्म्स देखने को मिले थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, जिसमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस, परमिट और कोटा राज को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था और पब्लिक सेक्टर के रोल को भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया, और गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। और इसका रिजल्ट हुआ ये कि इंडियन मार्केट में डाइवर्सिटी और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसी के साथ 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने सिर्फ LPG रिफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि इंडिया के एक्सपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और इस पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंडिया में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा वो ये था कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस पॉलिसी का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, और इंडिया की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% तक ही रहा। और इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, ताकि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल सके और पूरे वर्ल्ड में मेड इन इंडिया ब्रांड्स को प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करने जा रही है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी कुछ पार्ट एज अ फंडिंग के तौर पर यूज़ कर सकती है। देखिए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 के जरिए हम पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि इंडिया भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, और जो वैल्यू इंडिया ऐड कर सकता है किसी प्रोडक्ट में वो और कोई भी देश नहीं कर सकता। और देखिए पिछले कुछ समय में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों को एक हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाइना से निकाल कर अब इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है। इसी के साथ साथ अब टाटा ग्रुप भी बहुत ही जल्द इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, और इसको लेकर एक वीडियो मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है, तो अगर आप लोग चाहें तो उसे आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इंडिया फ्यूचर में चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बीट कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।